नमस्कार, मैं आस्था चौहान आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूं। और आइए देखते हैं अभी की ताजा खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की तरफ। पन्ना जिले के ग्राम खमतरा में हैजा फैलने से 3 की मौत, 20 से अधिक लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। उज्जैन जिले के नागदा में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ के पानी में चामुंडा माता मंदिर डूबा। नसरुल्लागंज तहसील के सेक्टर लाड़कुई की आंगनवाड़ी केंद्र रफीकगंज में अभिनव योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कृपा मालवीय ने महिला सुरक्षा की शपथ दिलाई। श्रावण मास में शिव मंदिरों में जाकर बालिकाओं पर हो रही हिंसा के विरोध में सामुदायिक सहभागिता से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शौर्य दल समिति के सदस्य, नवयुवक समिति, ग्राम के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ताओं द्वारा शपथ दिलाई गई। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। लगातार बारिश से बाद ग्रामीण बीमारी की चपेट में आ रही है। पन्ना जिले की शाहनगर तहसील के ग्राम खमतरा में हैजा फैलने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग बीमार है। खमतरा में हैजा फैलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हैजे से पीड़ित 20 से अधिक लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर में भर्ती कराया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर कटनी रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के मुताबिक जल जमाव और दूषित पानी पीने से ग्रामीण हैजा का शिकार हुए हैं। पन्ना से सौरभ साहू की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के नागदा में शहर सहित कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश से चंबल नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। चंबल नदी में स्थित चामुंडा माता मंदिर डूब गया। चंबल में ऐसा उफान इस सीजन में पहली बार आया है। चंबल में पानी आते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। चंबल किनारे 7 से ज्यादा होमगार्ड जवानों की सुरक्षा उपकरणों के साथ ड्यूटी लगा दी गई। चंबल में अचानक बढ़े पानी का कारण कैचमेंट एरिया में हुई बारिश है। नागदा शहर में 36 घंटे में 4 इंच बारिश हो चुकी है। चंबल में पानी बढ़ते ही मंदिर धीरे धीरे डूबने लगा था। इस नजारे के साथ सेल्फी लेने के लिए शहर के लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे थे। लगातार बढ़ रहा चंबल का जलस्तर किनारे बसे गांवों में नुकसान कर सकता है। पिपलौदा सागोदी माता में चंबल किनारे पर बह रही है। अगर चंबल भी उफान पर आई तो इसका जलस्तर अधिक बढ़ जाएगा। उज्जैन क्राइम ब्रांच की टीम ने नगर निगम कमिश्नर के बंगले के पास प्लाईवुड दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाशों ने 9 अगस्त को दुकान में 50,000 रुपए की चोरी की थी। चोरी की वारदात वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की पहचान की है। घटना का मुख्य आरोपी उसी दुकान का पुराना कर्मचारी निकला है। शहर के फ्रीगंज क्षेत्र में निगम कमिश्नर बंगले के पास पटेल ब्रदर्स प्लाईवुड दुकान में 9 अगस्त की रात चोरी हुई थी। विष्णुपुरा में रहने वाले 22 साल के सूरज गंगवाल ने साथी शंकर उर्फ गौरव सिंधी कॉलोनी और तुषार ठाकुर विष्णुपुरा के साथ मिलकर चोरी की घटना की थी। सूरज पुराना कर्मचारी था, इसलिए उसे दुकान के बारे में सारी जानकारी थी। ये भी पता था कि गल्ले में रुपए रहते हैं। घटना वाले दिन वही दुकान के अंदर घुसा था और सबसे पहले उसने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को दूसरी दिशा में मोड़ दिया था, ताकि वे कैमरे में कैद नहीं हो सके। पुलिस ने उक्त कैमरे के फुटेज से ही आरोपी को पकड़ा। तीनों चोरी के रुपयों से होटलों में पार्टी मना रहे थे। फरियादी घनश्याम पटेल से घटना के बाद पुराने कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली थी और फिर सूरज पर नजर रखकर उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने चोरी करना स्वीकार कर लिया। तीनों को माधवनगर थाने के सुपुर्द किया गया है। आज पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। विगत दिनों में करीब 9 या 10 तारीख को शहर में जो है एक नगर निगम कमिश्नर बंगले के पास में ही पटेल ब्रदर्स प्लाईवुड वालों की दुकान है और उसमें रात में चेहरे को ढक के नकाबपोश जो है 3 बदमाशों ने नकबजनी करी थी और उन्होंने लगभग जो फरियादी ने हमें बताई है उसमें करीब 50,000 से ज़्यादा की राशि उन्होंने चुरा के ले गए थे। और चूँकि जो है चेहरे अज्ञात थे और ऐसे में जो है पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर सर ने क्राइम टीम उज्जैन को एक टास्क दिया था कि इन लोगों की पहचान कर आरोपियों की पतारसी करनी है और गिरफ्तारी करनी है। ऐसे में उज्जैन जिले की क्राइम टीम जो है उस पर लगी और लगातार उसमें प्रयास करने के बाद हमें पर समझ जानकारी मिली कि ये 3 लड़के हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।